चलो आओ, प्लीज चैट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए आपको मेरा वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके तो देखो, हम लोग चालू किए थे तुम्हारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंटरेस्टेड, और फिर हम लोग किए फोर्स ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो एक रिवीजन क्वेश्चन से चालू करते हैं। मान लो कि डेल्टा दिया हुआ है 11% का, आई निकालो, डी निकालो, आई टू डी टू निकालो। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला क्या बनता है अपना आई के लिए? ई टू द पावर 0.11 इज व्हाट? 1 प्लस आई। डी के लिए क्या बनेगा? आई बाय 1 प्लस आई। आई टू कैसे निकालेंगे? आई टू कैसे निकालते हैं अपन? 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1 प्लस आई टू बाई टू का। डी टू कैसे निकालेंगे? 1 बाय 1 प्लस आई इज व्हाट? 1 माइनस डी टू बाय टू का स्क्वायर। चलो सॉल्व करके बताओ कितना कितना आ रहा है। कल क्योंकि CS1 में R का क्लास है, ठीक है, तो तुम लोग कल मेरा डबल क्लास कर लो, ठीक है, 10:30 से 2। एक्सेल कल नहीं हो पाएगा, कल R का है, ठीक है, कल मेरा डबल क्लास कर लो, तो दोनों में CM1 ही होगा मतलब। हाँ, कल फर्स्ट हाफ में हम लोग करेंगे तुम्हारा लेवल एनविटी, और सेकेंड हाफ में कर लेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एनविटी। ठीक है, नहीं लैपटॉप नहीं चाहिए कल। हाँ कुछ नहीं चाहिए, सब तो सब लिखवा रहा हूं। ठीक है, ये कितना कितना आ रहा है बताओ? पहला वाला आई बताओ 6 to 7, फिर डी बताओ, हाँ 0.104 1 6, ठीक है, ये आई टू बताओ 0.101 5 8, फिर ये बताओ 0.107, ये सही है, ये बताओ डी टू बताओ, हाँ 10, ठीक है। अब जैसे कि है ना, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके लिए हम लोग एक रिवीजन क्वेश्चन बनाएंगे जनरलाइज्ड एक्सप्रेशंस का। ठीक है, तो हेडिंग लगाना रिवीजन क्वेश्चन ऑन जनरलाइज्ड एक्सप्रेशंस। आओ डेल्टा टी का हम लोग को फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, 0.03 प्लस 0.01 टी 0.06 0
T9, ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। हम लोग को VT के लिए जनरलाइज्ड एक्सप्रेशंस बनाना है, ध्यान देना। आज का क्लास बहुत जरूरी है, तो आज प्लीज मेरे को मैसेज मत करिएगा, हंसी मजाक कराइए, आज मैं हंसी मजाक नहीं करा सकता, ठीक है। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। अब जैसे देखो ब्रेक कहां पर है, 9 पे ब्रेक है, अपने को निकालना है वी 0 से टी का, ठीक है। तो 0 से नाइन के बीच में वी जीरो से टी, ठीक है। सो एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रेशन टाइम जीरो पे लाएंगे, टाइम टी पर जो पेमेंट हो रहा है 0.03 प्लस 0.01 एस डीएस, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान देना। एक्सपोनेंशियल माइनस 0.03 टी माइनस 0.01 बाय 2 टी स्क्वायर, समझा? हाँ, ये हमने पहला वाला बना लिया। ऑनलाइन में सबको मेरा वॉइस आ रहा है ना? यस नो? आज मेरा वॉइस फट नहीं रहा होगा एकदम, ठीक है। चलो आओ, अब इसको ये वाला इसको सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है बताओ। ई टू दी पावर माइनस 0.03 टी माइनस 0.005 टी स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा आ गया, ये पहला वाला आ गया। अब दूसरा वाला में क्या करेंगे, व्हेन टी इज ग्रेटर देन 9। एक चीज समझो, जब टी मैं बोल रहा हूं 9 से बड़ा है तो मतलब ऑब्वियस सा बात है ना, अपने को तो ब्रेक करना पड़ेगा 0 से 9 और फिर 9 से टी, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूं ना कि टी इज ग्रेटर देन 9, तो इसीलिए ये पहला वाला आ गया। अब व्हेन टी इज ग्रेटर देन 9, V 0 से T का क्या बनेगा, V 0 से T का बनेगा V 0 से 9 इंटू V 9 से T, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन आया है 0.03, इसमें मैं निकाल लेता हूं यहां पर, तो V 0 से 9 कितना आ जाएगा मेरा, e टू दी पावर माइनस 0.03 इंटू 9 माइनस 0.005 इंटू 81, 99 जो 81 होता है ना, तो e टू दी पावर माइनस में कितना आ रहा है पहले ये बताइए। कैलसी सब लोग, ऐसा कोई है जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है, हाथ उठाओ। कितना आ रहा बेटा, 0.675, ठीक है। अभी आ गया ना, अब इसके बाद यहां पर मैं क्या करूंगा, e टू दी पावर माइनस 0.675 एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रेशन टाइम t पर जो पैसा उसको 9 पे लाएंगे 0.06 ds। तो क्या आएगा, e टू दी पावर माइनस 0.675, ठीक है, e टू दी पावर माइनस 0.09, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, t माइनस 9, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को कोई भी दिक्कत हो रहा है तो प्लीज बोलो। एडमिशन हम लोग का खुला हुआ है, अभी बेसिक ही चल रहा है, ठीक है। तो दोस्त लोग को बोलो ज्वाइन, जो करना चाहते कर सकते हैं। कितना आ रहा है इसका, e टू दी पावर माइनस 0.06 टी तो है, उसके बाद माइनस 0.135, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे पता है, जैसे डेल्टा टी का पूरा दिया हुआ रहता है ना, वैसे ही वीटी का पूरा लिखेंगे कि जब 0 से 9 के बीच में रहता है तो मेरा वीटी ये है, जब 9 से बड़ा होगा तो मेरा वीटी ये है, ठीक है। ये सबको क्लियर हो गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं था, एवरीथिंग इज क्लियर, हाँ ठीक है ना, ओके ओके। अब ध्यान देना, हेडिंग लगाओ पेमेंट स्ट्रीम, ठीक है। पेमेंट स्ट्रीम ध्यान देना, पेमेंट स्ट्रीम का मतलब क्या होता है,
अब मेरा जो पेमेंट होगा ना वो डिस्क्रीट नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। अब मेरा जो पेमेंट होगा वो डिस्क्रीट नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, एक टाइम पीरियड रहेगा ए से बी तक और यहां से यहां के बीच में बहुत सारे टाइम्स में पेमेंट होगा। अज्यूम कर लेते हैं ये है टाइम टी, इस टाइम टी पे जो रेट ऑफ पेमेंट होगा उसको बोलते हैं रोटी। तो रोटी का मतलब क्या है, रेट ऑफ पेमेंट एट टाइम टी। ऐसा एक पेमेंट होगा ना अनेक पेमेंट होगा, अनेक पेमेंट होगा, डिस्क्रीट ना कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस माने कंटिन्यूअस पेमेंट्स हो रहा है, ठीक है, ए से बी के बीच में हो रहा है। मेरे को बोलेगा या तो प्रेजेंट वैल्यू निकालो या फिर अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालो, बहुत सिंपल है, ध्यान देना। टाइम टी पे कितने का पेमेंट हो रहा है, रोटी का। मैं क्या कर रहा हूं, इसको मान लो टाइम ए पे लेके आ रहा हूं, तो माइनस टाइम टी पर जो पेमेंट हो रहा है उसको ए पे लाएंगे, फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, डेल्टा एस डीएस। अब ऐसा एक पेमेंट हो रहा है ना, बहुत सारा पेमेंट हो रहा है, बहुत सारा पेमेंट हो रहा है। समिंग ओवर अ कंटिन्यूअस रेंज द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल द पेमेंट्स हैपनिंग बिटवीन द टाइम ए टू बी, दिस इज गोइंग टू गिव मी प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम ए, दिस होल थिंग इन टू डी टी। चीज समझो, समिंग ओवर अ डिस्क्रीट रेंज इन्वॉल्व्स समेशन, समिंग ओवर अ कंटिन्यूअस रेंज इन्वॉल्व्स इंटीग्रेशन। अगर 10 पेमेंट होता तो मैं सबका सम कर देता, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के सबका सम कर देता। अलग अलग टाइम पीरियड का हम लोग सम नहीं कर सकते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड का हम लोग सम क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम लोग पढ़े हैं ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या पढ़े, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस, क्या बताया था, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ओवर टाइम। तो जो टाइम, जो पेमेंट टाइम 10 पे है उसको मैं जीरो के संग तो प्लस नहीं कर सकता, सबको पहले सेम टाइम पे लाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, टाइम टी पे एक पेमेंट उठाया रोटी का, उसको पहले मैंने क्या किया, टाइम ए पे लेके आया। कैसे लेके आ रहे, एक्सपोनेंशियल माइनस टाइम टी पर जो पेमेंट है वो ए पर आ रहा है, डेल्टा एस डी एस, क्योंकि लिमिट्स में टी है। अब ये क्या है, कोई भी एक पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम ए, ऐसा एक पेमेंट हो रहा है ना, बहुत सारा पेमेंट हो रहा है, बहुत सारा, कहां से कहां के बीच में हो रहा है, ए टू बी। सो समिंग ओवर द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल द पेमेंट्स हैपनिंग बिटवीन द टाइम्स ए टू बी। यही चीज अगर मान लो मेरे को अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालने बोलता टाइम बी पे तो क्या होता, इंटीग्रेशन ए टू बी रो टी एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन टाइम टी पर जो पेमेंट हो रहा है उसको बी पर लेके जाएंगे, डेल्टा एस डी एस होल इन टू डी टी। बहुत सिंपल है, इसको कॉपी कर लो, कॉपी करो, दोनों सम करेंगे तो कंफर्टेबल हो जाएगा, कॉपी करो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखेंगे, ये कॉपी हो गया सबका, अब एक क्वेश्चन लिखेंगे, डेल्टा टी मान लो 0.04 प्लस 0.02 टी, ठीक है, और यहां पर आ रहा है टी का वैल्यू 0 से 5 और यहां पर आ रहा है 0.05, ठीक है, ये अपने को दे दिया व्हेन टी इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, अपने को रो टी दे दिया है 10 ई टू द पावर 0.01 टी, ठीक है, पेमेंट हो रहा है 6 से लेके 10 के बीच में, t इज इक्वल टू 6 मतलब समझा, 6 साल खत्म हो चुका है, t इज इक्वल टू 6 का मतलब क्या है, 6 साल खत्म हो चुका है, तो पेमेंट कितना साल हो रहा है, 4 साल, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग को इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू दो टाइम पे निकल सकता है, एक निकल सकता है टाइम सिक्स पे और एक निकल सकता है टाइम जीरो पे। तो पहले सिक्स पे निकालेंगे फिर सिक्स से जीरो पे निकालेंगे, ठीक है। सिक्स से जीरो पे निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, छह साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। छह साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है, छह साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है, अपने ब्रेक करेंगे कि ब्रेक कहां पर है, टाइम फाइव पे, तो जीरो टू फाइव इंटू फाइव टू सिक्स, वो छोड़ दो बात का चीज है। अभी अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले रो टी क्या है, रेट ऑफ पेमेंट एट टाइम टी। अब इसको पहले सिक्स पे लेके आओ, एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रेशन सिक्स पे लाएंगे उस पेमेंट को जो टाइम टी पर है, 0.05 डीएस। ये क्या हुआ, टाइम टी पर जो पेमेंट हो रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम सिक्स। ऐसा एक पेमेंट हो रहा है ना, बहुत सारा बहुत सारा, कहां से कहां के बीच में हो रहा है, सिक्स से टेन के बीच में हो रहा है, डीटी। समिंग ओवर द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल द पेमेंट्स हैपनिंग बिटवीन द टाइम सिक्स टू टेन, ओके। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। छह से दस, दस आ जाएगा मेरा बाहर, ई टू दी पावर 0.01 टी, ठीक है, ई टू दी पावर माइनस 0.05, अंदर में क्या बचेगा, टी माइनस सिक्स डीटी। अब जो कॉन्स्टेंट पार्ट है उसको बाहर ले जाओ, सो 10 ई टू दी पावर 0.3 आएगा क्या, चेक करो तो एक बार, 10 ई टू दी पावर 0.3 आ रहा है क्या, चेक करो एक बार, हाँ, 10 ई टू दी पावर 0.3, 6 से 10 ई टू दी पावर 0.01, 0.01 टी, ठीक है, माइनस 0.05 टी डीटी, तो कितना आएगा बताओ, 10 ई टू दी पावर 0.3 इंटीग्रेशन 6 टू 10 ई टू दी पावर माइनस 0.04 टी डीटी। अब सुनो, इंटीग्रेशन के बाद एक्सपोनेंशियल है, पहले यहां तक आराम से कॉपी कर लो। इतना कंफर्टेबल हो जाएंगे ना, तुम लोग को कोई दिक्कत लगेगा ही नहीं, बट उसके लिए क्या, तुम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अच्छे से मेहनत करेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है तुम लोग को। ठीक है, हाँ, कॉपी हो गया, हेला कॉपी हो गया, चलो अब देखो, e टू दी पावर mx का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू दी पावर mx बाय m, फिर वैल्यू पुटिंग होता है, सो 10 e टू दी पावर 0.3 e टू दी पावर माइनस 0.04 t बाय माइनस 0.04, अब फिर वैल्यू पुटिंग होगा 6 से 10, बट नेट में नहीं कर सकते हैं, 10 e टू दी पावर 0.3 बाय माइनस 0.04, अंदर में क्या आएगा, e टू दी पावर माइनस 0.04 इंटू 10 माइनस e टू दी पावर माइनस 0.04 इंटू 6, ठीक है, सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा फाइनल आंसर। मैं 6 से 0 पे नहीं लेके जा रहा, वो काम बहुत इजी है, वो तुम लोग कर सकता है, बट ये बात याद रखना कि ये प्रेजेंट वैल्यू 0 पे नहीं आया है, प्रेजेंट वैल्यू टाइम 6 पे आया है। पहले जहां से जहां तक का पेमेंट स्ट्रीम है वहां से वहां तक का करेंगे, उसके बाद बाकी कुछ करेंगे। सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है इसको, यही अगर एक्सपोनेंशियल के बाद इंटीग्रेशन होता तो नेट में कर देते, कितना आ रहा है इसका आंसर, 39.249। बाकी लोगों का कितना आ रहा है चेक करिए, एक बात याद रखना, जिसको भी दिक्कत हो रहा है उसको इंटीग्रेशन में दिक्कत हो रहा है, कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं हो रहा है, दो अलग अलग चीजें, कंफ्यूज मत करना।
ठीक है, चलो आओ, ये हो गया, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। डेल्टा टी हम लोग को दे दिया है 0.05 प्लस 0.001 टी, ठीक है, और इसके बाद है 0.05 व्हेन टी इज ग्रेटर देन 20। अपने को रो टी दिया है 30 ई टू द पावर माइनस 0.015 टी, ठीक है, ए दे दिया है 20, बी दे दिया है 25, ठीक है, अपने को ए भी निकालना है, तो ए भी तो एक ही टाइम पे निकलेगा, कहां पर निकलेगा, 25 पे, ठीक है, सो अक्यूमुलेटेड वैल्यू एट टाइम 25 अपने को निकालना है। इंटीग्रेट कहां से कहां, 20 से 25, रोटी कितना दिया हुआ है 30 ई टू दी पावर माइनस 0.015 टी, ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन टाइम टी पर जो पेमेंट है उसको 25 पे लेके जाएंगे, 20 से 25 है ना, तो 0.05 ds होल इनटू dt। अब जो कांस्टेंट पार्ट है पहले उसको बाहर निकाल लेते हैं, इसके बाद में सो 30 आ जाएगा बाहर, ठीक है, इंटीग्रेशन 20 से 25 e टू द पावर माइनस 0.015 टी, ठीक है, e टू द पावर 0.05 ब्रैकेट में क्या आएगा बताओ, 25 माइनस टी, ठीक है, dt, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 30 e टू द पावर 0.05 इनटू 25, ठीक है, इंटीग्रेशन 20 से 25 माइनस 0.015 एंड माइनस 0.05 तो कितना आएगा, e टू दी पर माइनस 0.065 टी डी टी, अब हो जाएगा सॉल्व, हाँ सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। जैस्मिन अरोड़ा आप ठीक है, हाँ कितना आ रहा है, 121 इज द करेक्ट आंसर। सबका आ रहा है, तुम कल नहीं आई थी ना, क्यों, ठीक है, ठीक है, आओ इसके बाद
अब तुम लोग को रोटी दे दिया है 100 e टू द पावर 0.01 t, ठीक है, a दिया हुआ 0, b दिया हुआ 8, ठीक है, और डेल्टा कांस्टेंट है 0.02। तुम लोग को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा, अब इंटीग्रेट करेंगे 0 से 8 में, है ना, 100 e टू द पावर 0.01 t एक्सपोनेंशियल माइनस, अपने को क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना, टाइम जीरो पे, टाइम टी पर जो पैसा है उसको जीरो पर ला रहे हैं, 0.02 ds होल इनटू dt, 100 आ गया बाहर, 0 से 8 e टू द पावर 0.01 t e टू द पावर माइनस 0.02 t माइनस 0 dt, सो क्या आएगा, 100 इंटीग्रेशन 0 से 8 e टू द पावर माइनस 0.01 t dt, सो क्या आएगा, 100 e टू द पावर माइनस 0.01 t बाय माइनस 0.01, ये पूरा चीज 0 से 8, सो 100 बाय माइनस 0.01 e टू द पावर माइनस 0.01 इंटू 8 माइनस 1, सॉल्व करिए इसको, सेवन सिक्सटी एट पॉइंट, तुम लोग का मोस्टली जो एक्सेल क्लास रखवाएंगे ना, वो हम रखवाएंगे कल, क्या वेडनेसडे ना, थर्सडे, कल थर्सडे है ना, तो कल नहीं है, तुम लोग का रखवाएंगे फ्राइडे को, बट फ्राइडे को दिखता हूँ मैं, दिखता हूँ, फ्राइडे कितना तारीख है, एक तो करवा ही दूंगा, दूसरे का देखता हूँ, ठीक है, ये अलाउ हो गया, चलो इसके बाद डेल्टा टी अपने को दे दिया है ए प्लस बी टी, ठीक है, अब जैसे क्या है 45 इंटू ए 0 to 5 इज 55 एंड 45 इंटू ए 0 to 10 इज 120, ठीक है, आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो बहुत सिंपल है, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन 0 से 5 ए प्लस बी टी डी टी इज हाउ मच, हाँ 55 बाय 45, क्योंकि ये 5 साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर है, तो ये क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल 80 प्लस बी बाय 2 टी स्क्वायर, है ना, फिर इसमें वैल्यू बैठेगा 0 से 5 is what 55 by 45, so exponential 5a
प्लस बी बाय टू इंटू 25 इज व्हाट 55 बाय, अब दोनों तरफ लॉग ले लो तो क्या आएगा 5a प्लस 25b बाय टू इज व्हाट ln log का बेस में ही 55 बाय 45। समझा, ये एक इक्वेशन बनाया, सिमिलरली ऐसा दूसरा बनाओ, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और ए और बी का वैल्यू निकालो। चलो चालू करो, खुद से करो, हो जाएगा, कुछ करना नहीं। देखो मैं यही कर देता हूं। अब आएगा एक्सपोनेंशियल, अब 10 बैठेगा ना, सो 10a प्लस b बाय टू इंटू 100 है ना इज व्हाट 120 बाय 45। सेम प्रोसेस है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो a कट जाएगा, b का आंसर आ जाएगा, फिर डाल के a का आंसर निकाल लेना। चलो चालू करो, उसको सॉल्व करो, उसको अच्छा क्वेश्चन है ये, सॉल्व करो उसको।
सबका आया ए और बी का वैल्यू? हाँ ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है? कितना आ रहा है ए का वैल्यू? 0 पॉइंट माइनस माइनस 0.01781 और बी का 0.02. नेक्स्ट ऐसा होगा नहीं ना, विद प्रैक्टिस, विद प्रैक्टिस वैसा होगा नहीं। हाँ हाँ, मटेरियलिटी प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा। 0.5% तक कोई दिक्कत नहीं है, माने 0.5% ऑफ योर आंसर। फॉर एग्जांपल आंसर है 10, तुम्हारा है 10.5, नहीं चलेगा। आंसर है 1 लाख, तुम्हारा है 1,00,005, चल जाएगा। माने तुम्हारा आंसर आ रहा है, चल जाएगा, ठीक है, वो चीज़ है। नेक्स्ट में आओ, डेल्टा टी दिया हुआ है 0.1 माइनस 0.005 टी इफ टी इज लेस देन 6, ठीक है, एंड एक दिया हुआ है 0.07 इफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है। आपको रो टी दिया हुआ है, रोटी आपको दिया हुआ है 50 ई टू द पावर 0.05 टी, ठीक है। आपको ए दिया हुआ है 12, बी दिया हुआ है 15। आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है, टाइम जीरो पे निकालना है। तो पहले कहाँ निकलेगा प्रेजेंट वैल्यू? एट टाइम 12। तो बेसिकली अपने क्या करेंगे, 12 से 15 50 ई टू द पावर 0.05 टी एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रेशन टाइम, बोलो 12 पे लाएंगे वो पेमेंट जो टी पर हो रहा है, 0.06 डीएस होल इनटू डीटी, क्योंकि 6 से ज्यादा आगे कुछ भी जाएंगे तो डेल्टा टी क्या है 0.07, बट मैंने गलत लिखा है। हाँ बोलो, तो क्या आएगा, 50 आएगा बाहर, 12 से 15 e टू द पावर 0.05 टी e टू द पावर माइनस 0.07 टी माइनस 12 डीटी। फिफ्टी ई टू द पावर 0.07 इंटू 12, 12 से 15 ई टू द पावर माइनस 0.02 टी डी टी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, पहले 12 पे आया है, 12 पे क्या आ रहा है पहले ये बताइए मेरे को। हाँ 265.2798,
इसके बाद में अब मेरे को निकालना पड़ेगा वी जीरो टू ट्वेल्व, तो ब्रेक कहां पर है, सिक्स पे है ना, तो अपने करेंगे वी जीरो टू सिक्स इंटू ई टू द पावर माइनस 0.07 इंटू सिक्स, समझ गया ना तुम लोग। अब मेन अपने को निकालना है वी जीरो से सिक्स, विच इज एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रेशन टाइम सिक्स पर जो पैसा उसको जीरो पे लाएंगे, 0.1 माइनस 0.005 टी डी टी। सॉल्व कर लीजिए इसको, इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस 0.1 इंटू सिक्स प्लस 0.005 बाय 2 इंटू 36। सॉल्व करके उसके संग करके बताइए डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या आ रहा है, ये फाइनल क्या आ रहा है ये बताइए, ये वाला हाँ तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इन ऑर्डर टू रिसीव रूपी वन एट टी इज इक्वल टू 12 वी वॉन्ट टू इन वी आर विलिंग टू इन्वेस्ट वी नीड टू इन्वेस्ट रुपीज 0.39455 टुडे। क्लियर है, हो गया। कैलकुलेटर का ना वीडियोस है वो पूरा देख लेना, उसमें कैलकुलेटर में इंटरपोलेशन कैसे करते हैं, बेसिक फंक्शन कैसे डालते हैं, वो सारा वीडियो पूरा देख लेना, आज ही देख लेना, ठीक है। टोटल में एक दो घंटे का वीडियो है, पूरा प्रॉपरली देख लेना। डन। इसके बाद डेल्टा टी अपन को दे दिया है 0.05 प्लस 0.002 टी, ठीक है। अपने को निकालना है, अपने को दिया हुआ है रो टी इज इक्वल टू 30 ई टू द पावर माइनस 0.01 टी प्लस 0.001 टी स्क्वायर, ठीक है। टी अपने को दिया हुआ है, सॉरी एक मिनट, ए अपने को दिया हुआ है 3, बी अपने को दिया हुआ है 10, ठीक है। अपने को बोला है प्रेजेंट वैल्यू निकालने, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोल रहे हैं ना, तो पहले 3 पे निकालेंगे फिर 3 से 0 पे निकालेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 3 ये कितना आएगा अपना, इंटीग्रेशन 3 से 10 राइट 30 ई टू द पावर माइनस 0.01 टी प्लस 0.001 टी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस, है ना। कहां पर, कहां से कहां पर ला रहे हैं, 3 पे लाएंगे पैसा जो टाइम टी पर है, 0.05 प्लस 0.002 एस दिस होल थिंग इनटू डीएस, हाँ
30 आ जाएगा बाहर, 3 से 10 e टू दी पावर माइनस 0.01 टी प्लस 0.001 टी स्क्वायर, दिस थिंग इनटू e टू दी पावर माइनस 0.05 टी माइनस 3 माइनस 0.002 बाय 2, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा बताओ, हाँ टी स्क्वायर माइनस 9, दिस होल थिंग इनटू डीटी। इसको अब थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, जैसे माइनस 0.001 टी स्क्वायर और प्लस में कट जाएगा, फाइनली क्या आ रहा है बताइए, फाइनली अपना आएगा 30 इंटीग्रेशन 3 से 10 e टू दी पावर माइनस क्या आएगा बताइए, 0.01 टी कर दे रहा हूं माइनस 0.05 टी प्लस 0.15 प्लस 0.009 आ रहेगा, चेक करो तो, हाँ तो ये दोनों को ऐड अप कर लो, इसको बाहर भेज दो, है ना, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा, तो इजी हो गया, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, ये इसका करो 1, 3, 1, 2, 1. ये लेकिन आंसर नहीं है, आंसर ये थोड़ी है, अभी तो जीरो पे लाना पड़ेगा ना, तो वी जीरो से थ्री निकाल के बताओ कितना आ रहा है, सब लोग सॉल्व करेंगे, किसका इसका सीबी वन हाथ उठाओ, कट जा रहा बेटा 0.001 टी स्क्वायर 0.001 टी स्क्वायर, चेक करो आराम आराम से करो, पूरा खोल के करो ब्रैकेट्स को, कितना बचा टाइम, V 0 टू 3 कितना आ रहा है, फाइनल आंसर कितना आ रहा है सब करने के बाद, नहीं फाइनल आंसर कितना आ रहा है,
आया आप लोग दोनों का, कितना आ रहा है फाइनल आंसर? अच्छा ठीक है, करो फिर। ये वाला सब लोग सॉल्व करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है? मैंने ये मल्टीप्लाई करने के बाद ही आ रहा है क्या? ये तुम्हारा वैल्यू एट टाइम थ्री है कि जीरो है? हाँ तो थ्री को मल्टीप्लाई करो वी जीरो से, थ्री से। फाइनल आंसर सब लोग बताइए ऑनलाइन में कितना आ रहा है? 143 आ रहा है क्या? 143 इज द करेक्ट आंसर। कितना आ रहा है? 143. ये एकदम फाइनल आंसर है। सब लोग का आएगा उसके बाद ही छोड़ेंगे सबको, आज कम पढ़ा रहे क्योंकि CB1 का भी बहुत लोग का है। कल लेकिन पूरा मेकअप कर देंगे, कल CM1 का डबल क्लास है, दोनों क्लास मैं ही लूंगा। टाइम है 10:30 AM डॉट, मैं नया टॉपिक चालू कर दूंगा, जो मिस करेगा मिस करेगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। 10:30 AM to 2 PM बीच में गैप रहेगा आधे घंटे का। पांच से छह, 10:30 से 12 पढ़ाऊंगा, आधे घंटे का ब्रेक, फिर 12:30 से 2 पढ़ाऊंगा। और कल का टॉपिक भी मैं बता देता हूं, लेवल एनविटीज करेंगे फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एनविटीज। परसों को भी तुम लोग का एक्सेल का क्लास नहीं हो पाएगा, परसों को मैं कराऊंगा फर्स्ट हाफ में इक्वेशन ऑफ वैल्यू और सेकेंड हाफ में मैं कराऊंगा फ्री हैंड सम्स, तब जाके हम लोग का इक्वेशन ऑफ वैल्यू तक पूरा खत्म हो जाएगा। एंड तुम लोग चाहो तो इक्वेशन ऑफ वैल्यू तक का फिर पूरा मैट बना सकते हो, ठीक है, और बुकलेट 2 पूरा बनाओ, ठीक है। और अभी जो दुर्गा पूजा का छुट्टी होगा उसमें एक्सेल का जैसे मैं 2 क्लास करवा दूंगा एनी हाउ, ठीक है, तो 2 क्लास एक्सेल का होने के बाद में फिर पूरा एक्सेल का बेसिक्स करेगा और इक्वेशन ऑफ वैल्यू तक का पूरा एक्सेल कंप्लीट करेगा। और फिर सर्टेन कैश फ्लोज का जैसे लोन शेड्यूल, बॉन्ड्स, प्रोजेक्ट अप्रेजल और टर्म स्ट्रक्चर, ये चार टॉपिक रिकॉर्डेड से करेगा, पेपर ए पेपर भी, जो डाउट्स होगा सम्स में सब वो पूरा प्रॉपर हम लोग कराएंगे। इसके बाद जो तुम लोग का नेक्स्ट फिजिकल क्लास चालू होगा वो चालू होगा 13 तारीख से, पेपर बी का होगा पेपर ए का होगा वो पूरा शेड्यूल में आ जाएगा, ठीक है। 13 अक्टूबर से तुम लोग का फिजिकल क्लास चालू होगा 17 अक्टूबर तक, ठीक है। फिर उसके बाद तुम लोग का ब्रेक रहेगा, मैं तुम लोग को काम दूंगा पूरा प्रॉपर करना है। और 5 तारीख को तो तुम लोग का टेस्ट है ही, टॉपिक टिल टॉट जो भी पढ़ाया है, उसके बाद नेक्स्ट तुम लोग का टेस्ट होगा 17 या फिर 18 अक्टूबर को, ठीक है, टिल टॉट टॉपिक्स। उसके बाद में तुम लोग का जो फिजिकल क्लास चालू होगा वो चालू होगा 4 नवंबर से, भाई दूज के जस्ट नेक्स्ट डे चालू होगा, ठीक है। उस समय क्लास चलेगी 15 तारीख तक और फिर तुम लोग का नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो 14 या फिर 15 नवंबर को होगा, ठीक है, टिल टॉट टॉपिक्स तक। फिर थोड़ा ब्रेक रहेगा, तुम लोग को काम दिया जाएगा करने के लिए, बट हाँ ऑनलाइन में 9:30 बजे डेली एक क्लास होगा, वो तुम लोग सबको अटेंड करना है, ठीक है, कोई भी वो क्लास मिस नहीं करेगा। चालू होगा ब्रेक में, यस वो चालू होगा तो चलते ही रहता है फिर वो, अभी IA का प्रिपेयर करा रहे तो थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ 13 को भी होगा, हाँ अभी डाला नहीं है स्केड्यूल में, 13 को क्या है? अच्छा फिर 13 को नहीं होगा, 13 को एसेट का एग्जाम है या? हाँ? तुम लोग का स्टैट्स का टेस्ट नहीं होगा, हाँ CM1 के लोग CM1 का टेस्ट देंगे, CS1 का नहीं देंगे। अब तुम लोग का जो स्टैट्स करवाना था वो मैंने करवा दिया, उसका टेस्ट नहीं होगा तुम लोग का। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसका डाउट्स पूरा मैं लूंगा, मतलब मेरा टारगेट ये है कि कैश फ्लो बेसिक एडवांस, सर्टेन कैश फ्लो बेसिक एडवांस और कंटिजेंसीज का बेसिक्स मैं 15 नवंबर तक करा दूं, क्योंकि फिर उसके बाद तुम लोग को मेरा दरकार नहीं पड़ेगा। तो तुम लोग के पास में जो 45 डेज का जो गैप रहेगा तो उसमें तुम लोग क्या कर सकते हैं, पेपर ए पेपर भी चाहो तो मैं कंप्लीट कर सकते हो, फिर वही चीज मैं पूरा कराऊंगा, मतलब मैं सारा टॉपिक पूरा लाइव कराऊंगा तुम लोग को। और वो स्टार्ट होगा 7 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक, ठीक है। हाँ हाँ इक्वेशन वाले तक पेपर है पेपर भी पूरा, ये वाला हो गया क्या? हाँ 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 करना ही पड़ेगा, ये दिया हुआ ना, डायरेक्टली कैसे कर लेगा, डेल्टा टी दिया,
क्या भाई, वैसे लॉजिक मत लगा, उसमें जरा गलत हो जाएगा एग्जाम में। जो बेसिक है, जो बेसिक फंडा है उसको कभी छोड़ो मत, वही तो समझा रहे ना, बेसिक रूल ऑफ थंब को अप्लाई करो जगह पे। ठीक है, आज के लिए इतना, कल सुबह 10:30 बजे आ जाना। सीबीएम वालों का थोड़ा देर ब्रेक है, फिर 2 बजे से क्लास है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। टिल टाट टॉपिक्स देवानी मजुमदार। उफ़।